हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बॉम्बिक्स मोराई की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। यह बीएससी सेकंड ईयर की पेपर थर्ड का यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है। बायोलॉजी ऑफ बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई ऑर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करती है। क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली बॉम्बिसिडी और इसका नेटिव प्लेस चाइना है। लेकिन आजकल इसको इंडिया, जापान, कोरिया, इटली, फ्रांस और रशिया में डोमेस्टिकेटेड किया जाता है और इसका रेयर किया जाता है। और इंडिया में जो पूरी कंट्री का सिल्क प्रोडक्शन होता है वो 92% सिल्क प्रोडक्शन इस मलबेरी मोथ से होता है। और इस मलबेरी मोथ जो है बॉम्बिक्स मोराई, इसका लार्वे का फूड होता है मलबेरी प्लांट्स की लीव्स, इसीलिए इसका नाम मलबेरी वर्म रखा गया है। लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई एक होलोमेटाबोलस इंसेक्ट होता है। होलोमेटाबोलस इंसेक्ट का मतलब होता है कि ऐसे इंसेक्ट जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से मतलब है कि जब उनका एडल्ट का डेवलपमेंट होता है, एक से एडल्ट का डेवलपमेंट होता है तो उसके बीच में अलग अलग स्टेज आती है। जैसे एक जाए, एक से लार्वा निकलता है, लार्वा से प्यूपा आता है और प्यूपा से फिर एडल्ट बनता है। तो इस टाइप का जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। इसकी लाइफ साइकिल में मेनली 4 स्टेजेस होती है, एग्स, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं सिल्क मोथ। ये सिल्क मोथ में मेल और फीमेल हैं। इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। बाहर से देखकर आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल है। यह हम देखते हैं कि मेल की साइज फीमेल की कंपैरिजन में स्मॉल होती है और फीमेल लार्जर होती है। मेल मोथ एक्टिव होते हैं और फीमेल स्लगिश होती हैं। और इसका एब्डोमेन नेरो होता है और इसका एब्डोमेन ब्लोटेड होता है। इसके पोस्टीरियर एंड पर एक जोड़ी हुक प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हार्पर्स या क्लेस्पर कहते हैं, जो कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। और इसके पोस्टीरियर एंड पर नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस पर सेंसरी हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। और इसके जो एब्डोमेन वाला रीजन होता है उसमें 8 एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं और इसके एब्डोमिनल सेगमेंट में 7 सेगमेंट होते हैं। क्लियर। तो इस टाइप से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को सिल्क मोथ में देखा जा सकता है। और इसकी लाइफ साइकिल की जो अलग अलग स्टेजेस होती है उसकी ड्यूरेशन है वो जो इनकी रेस से इनहेरिटेड करेक्टर से उनके अकॉर्डिंग वो वेरी करती है। और दूसरा इन्वायरमेंटल कंडीशन पर, फूड की क्वालिटी जो इनको मिल रही है उस पर भी डिपेंड करती है इनकी स्टेजेस की ड्यूरेशन। लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई की एडल्ट मोथ की बात करें तो ये फूड नहीं लेता है और उड़ भी नहीं सकता है। इसका लाइफ स्पैन 3 to 6 डेज होता है। इसकी पूरी बॉडी पर एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड वाले रीजन पर माउथ प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड पर और 2 बाइपेक्टिनेट यहाँ पर एंटीना प्रेजेंट होती है दोनों साइड पर। और दोनों कंपाउंड, यहाँ जो कंपाउंड्स आई होती है उन कंपाउंड आइस के बीच में, मतलब दोनों कंपाउंड आइस के बीच में माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि जिसके बीच में इनएक्टिव कोल्ड प्रोबोसिस भी प्रेजेंट होती है। थॉरेक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। इन तीनों सेगमेंट से 3 जोड़ी लेग्स निकलते हैं और हर लेग 5 जॉइंटेड होता है, मतलब एक जो पांव है उसमें 5 जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से हर एक सेगमेंट से एक एक जोड़ी लेग्स निकलते हैं। और मीजो और मेटाथोरेक्स से 2 पेयर्स ऑफ विंग्स निकलते हैं। एक जोड़ी पंख मीजोथोरेक्स से निकलते हैं और दूसरे जोड़ी मेटाथोरेक्स से निकलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो बड़ा वाला पंख होता है और जो ट्राइंगुलर फोरविंग होता है वो मीजोथोरेक्स से अटैच रहता है। जो आगे वाले पंख हैं उनको फोरविंग्स कहते हैं और पीछे वाले पंख को हम हाइंड विंग्स कहते हैं, जो मेटाथोरेक्स से अटैच रहते हैं। और थोरेक्स वाले रीजन में स्पाइरेकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और अभी हमने एब्डोमेन की बात की थी कि मेल के एब्डोमेन में हाफ्स, जो पीछे वाला रीजन होता है उस पर क्या प्रेजेंट होता है, हाफ्स या क्लेस्पर्स प्रेजेंट होते हैं जो कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। और जो फीमेल है वो मेल के कंपैरिजन में बड़ी होती है, उसका एब्डोमेन फैटर होता है और
यहाँ पर हमने देखा था कि मेल मोथ में तो 8 सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन में, और फीमेल मोथ में 7 सेगमेंट होते हैं, और उस पर नॉब लाइक प्रोजेक्शन निकल रहा रहता है जिस पर सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं कॉडल एंड पर, जो कि फेरोमोन्स को सिक्रीट करते हैं, और ये फेरोमोन्स मेल को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, कॉपुलेशन। जब फीमेल फेरोमोन्स को सिक्रीट करती है तो मेल उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और फ्लटर डांस करता है, और फिर दोनों में कॉपुलेशन होता है। और उस वक्त जब फेरोमोन्स का सिक्रीशन होता है फीमेल से, वहाँ उस फेरोमोन्स को बॉम्बिकोल कहा जाता है। इसी बॉम्बिकोल से इसके मेल अट्रैक्ट होते हैं, इनमें कॉपुलेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फीमेल है, ये मेल है, इसके फीमेल के पोस्टीरियर पार्ट से फेरोमोन्स सिक्रीट हुए, इसने मेल को अट्रैक्ट किया और दोनों से टेल टू टेल यहाँ पर मैटिंग हो रही है। ये कॉपुलेशन का प्रोसेस जो होता है वो कई घंटों तक चलता है, और मैटिंग होने के बाद में फीमेल सिल्कवर्म मोथ जो है, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग हो जाते हैं, फीमेल एग्स देना स्टार्ट कर देती है और मेल इसकी डेथ हो जाती है। एग लेइंग, मेटिंग के 12 से 24 घंटे बाद में दोनों सेपरेट हो जाते हैं और फीमेल अंडे देना शुरू कर देती है और मेल मोथ मर जाता है। लगभग 1 से 2 दिन में 150 से 300 अंडे फीमेल देती है, और कई बार 1000 तक अंडे भी दिए जा सकते हैं। और बॉम्बिक्स मेराई 2 टाइप के अंडे देती है, एक होते हैं डायपॉजिंग और हाइबरनेटिंग एग्स, दूसरे होते हैं नॉन डायपॉजिंग और नॉन हाइबरनेटिंग एग्स। इसके एग्स ओवॉइड, स्फेरिकल और एलिप्सॉइड हो सकते हैं, और एक साइड पर फ्लैट होते हैं या एक साइड पर इसके गड्ढा होता है जो उसको सबस्ट्रेटम से चिपकने में हेल्प करता है। और इंसेक्ट्स के एग जनरली सेंट्रल एसाइथल एग होते हैं, जिनमें जो यॉक होता है वो सेंटर पार्ट में होता है, और इसमें ये कोरियन से कवर्ड रहते हैं जिसमें 2 लेयर होती है, आउटर एक्सोकोरियन और इनर एंडोकोरियन होती है। हर एक पर एक ओपनिंग होती है, उसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, जो कि एंटीरियर एंड पर होती है। अभी हमने देखा था कि बॉम्बेक्स मेराई में 2 टाइप के एग्स होते हैं, डायपॉजिंग एग्स होते हैं और नॉन डायपॉजिंग एग्स होते हैं। डायपॉजिंग एग्स को हम कुराडोन एग्स भी कहते हैं, और इनको हम नोमाडेन एग्स भी कहते हैं। डायपॉजिंग एग्स डोरमेंट स्टेज में रहते हैं और नॉन डायपॉजिंग एग्स डोरमेंट स्टेज में नहीं रहते हैं। डायपॉजिंग एग्स जनरली यूनिवोल्टाइन सिल्कवर्म की 2nd जनरेशन से और बाइवोल्टाइन सिल्कवर्म की 3rd जनरेशन से प्रोड्यूस होते हैं, और ये मल्टीवोल्टाइन सिल्कवर्म से प्रोड्यूस होते हैं नॉन डायपॉजिंग। इनके एग्स डायपोज स्टेज में जाने से पहले डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, और इनमें कोई कलर चेंजेस नहीं होता है, लेकिन हेचिंग के पहले ये ब्लूइश ब्लैक हो जाते हैं। और इनके डायपोज को कुछ ट्रीटमेंट जैसे कि एसिड ट्रीटमेंट से ब्रेक किया जा सकता है, इसमें इस टाइप के ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हेचिंग, जब अंडों से लार्वा बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को हेचिंग कहा जाता है, और 1 वीक के अंदर हेचिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और टेम्परेचर उस वक्त 78 to 85 degrees होता है, लेकिन कई बार 1 वीक से ज़्यादा का भी टाइम लग जाता है, लगभग 2 वीक तक लग जाता है, जबकि जब टेम्परेचर कम होता है उस कंडीशन में। यहाँ पर आप देखिए, 1 से लार्वा यहाँ पर बाहर निकल चुका है, इसे बोलते हैं हैचिंग लार्वा। इसका लार्वा कैटरपिलर कहलाता है, जो 3 mm लंबा होता है। इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और इसकी बॉडी पर काइटिनियस स्किन होती है। इसकी बॉडी 13 to 40 segments के अंदर डिवाइड होती है। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है उस पर हेड होता है, और ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इस पर कॉडल हॉर्न प्रेजेंट होता है। इसमें यहाँ पर 3 pairs ऑफ थोरेसिक लेग्स प्रेजेंट होते हैं, थोरेक्स वाले रीजन में 3 जोड़ी यहाँ पर पाँव उपस्थित होते हैं, लेग्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ एब्डोमेन वाले रीजन में 4 pairs ऑफ एब्डोमिनल लेग्स होते हैं, जिनको हम प्रो लेग्स भी कहते हैं, और 1 जोड़ी पीछे यहाँ पर कॉडल लेग प्रेजेंट होता है यहाँ पर। और ये यहाँ पर आप स्पैरिकल्स को देख सकते हैं, इसकी बॉडी पर स्पैरिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और हैचिंग होने के बाद में जब यंग लार्वा बाहर निकलता है तो वो मलबेरी लीव्स को खाना शुरू कर देता है और ग्रो करता जाता है, इसको हम फर्स्ट स्टार लार्वा कहते हैं। लगभग 3 दिन के बाद में लार्वा फीडिंग करना स्टॉप कर देता है, उसमें मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग मतलब होता है कि उसकी जो क्यूटिकल होती है उसकी शेडिंग होना शुरू हो जाती है, इस प्रोसेस को हम मोल्टिंग या एकडाइसिस कहते हैं। मोल्टिंग के बाद में लार्वा फिर से फीडिंग करना स्टार्ट कर देता है, वापस उसकी तेजी से ग्रोथ होती है, और इसमें रिपीटेड मोल्टिंग होती रहती है। लगभग 4 times इसमें मोल्टिंग होती है। इस टाइप से जो लार्वा या कैटरपिलर होता है वो अलग अलग स्टेज, जैसे कि फर्स्ट स्टार लार्वा से 2nd स्टार लार्वा, 2nd से 3rd स्टार लार्वा, 3rd से 4th स्टार लार्वा, 4th से 5th स्टार लार्वा के अंदर चेंज हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 21 से 25 दिन लग जाते हैं हैचिंग के बाद में।
ये तो मल्टी वोल्टाइन मोथ के केस में अपन बात कर रहे हैं, लेकिन जब अगर बाई वोल्टाइन या यूनी वोल्टाइन मोथ होते हैं तो उसमें 24 से 48 दिन लग जाते हैं पूरे इस स्टेज को क्रॉस करने में। जो फर्स्ट इंस्टार लार्वा न्यूली हैच्ड लार्वा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्स हैं, इन एग्स की हैचिंग से जो लार्वा निकलता है ये न्यूली हैच्ड लार्वा है। यहाँ पर फर्स्ट इंस्टार लार्वा बनता है। जो फर्स्ट स्टार लार्वा वोरेशियस ईटर होता है और ये यंग मलबेरी लीव्स को खाता है, और फर्स्ट इंस्टार लार्वा लगभग 3 दिन तक फीडिंग करने के बाद में इसकी फीडिंग स्टॉप हो जाती है और ये इसकी मोल्टिंग होती है और सेकंड स्टार लार्वा में चेंज हो जाता है। और ये सेकंड स्टार लार्वा लगभग 2 से 2.5 दिन तक फीडिंग करता है, उसके बाद में ये थर्ड स्टार लार्वा में चेंज हो जाता है। फिर ये थर्ड स्टार लार्वा 3 दिन तक फीडिंग करने के बाद में इसकी मोल्टिंग होती है और ये फोर्थ स्टार लार्वा में चेंज हो जाता है। और फोर्थ स्टार लार्वा जो है वो फिर बाद में फिफ्थ स्टार लार्वा के अंदर चेंज हो जाता है। तो लगभग ये 4 दिन तक फीडिंग करता है, तब फोर्थ स्टार लार्वा फिफ्थ स्टार लार्वा में चेंज हो जाता है, और फिफ्थ स्टार लार्वा 8 डेज तक फीडिंग करता है, उसके बाद में खाना बंद कर देता है। उसके बाद में ये मतलब बाहर से अंदर की तरफ सिल्क की स्पिनिंग को स्टार्ट कर देता है। और ये जो फिफ्थ स्टार लार्वल स्टेज होती है ये लॉन्गेस्ट स्टेज होती है, जहाँ पर मलबेरी लीव्स का मैक्सिमम कंजप्शन किया जाता है और इसकी ग्रोथ भी हाई होती है। फिफ्थ इंस्टार लार्वा एक फुल ग्रोन लार्वा होता है और इसकी लंबाई 7.5 से 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमन वाले रीजन में डिवाइड होती है। ये वाला रीजन आपको थॉरेक्स का दिखता है, ये हेड है और ये एब्डोमन का रीजन होता है। इसके यहाँ पर हमने पढ़ा था कि इसका जो ये एंटीरियर पार्ट होता है जहाँ पर हेड प्रेजेंट होता है वहाँ पर एक स्पिन रेट होती है। ये स्पिन रेट से क्या होता है, सिल्क बाहर निकलता है। इसके थॉरेक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, उन तीनों सेगमेंट से 3 जोड़ी पाँव निकलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं थॉरेसिक लेग्स। क्लियर। ये वॉकिंग में काम नहीं आते हैं, बल्कि जब ये फीडिंग कर रहा होता है तो उन लीव्स मलबेरी लीव्स को पकड़ने में या उसे होल्ड करने में काम आते हैं। और इसके एब्डोमन में 11 सेगमेंट्स होते हैं, 9, 10 और 11 सेगमेंट फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज़ होकर के एक क्लियर सेगमेंट जो दिखता है वो 9th सेगमेंट ही दिख पाता है। उस पर एनल प्लेट और कॉडल प्रोलेग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कॉडल लेग्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो 1 पैर है, 1 जोड़ी है। और 3rd, 4th, 5th और 6th सेगमेंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एब्डोमिनल सेगमेंट है। इन एब्डोमिनल सेगमेंट से 4 जोड़ी एब्डोमिनल लेग्स निकल रहे हैं। इसकी बॉडी पर 9 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल होते हैं, और लार्वा की बॉडी पर कई प्रोजेक्शंस और नोड्यूल्स निकलते हैं जो पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, और लार्वा के अंदर भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को देखा जा सकता है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फीमेल लार्वा जो होता है उसमें सेक्सुअल मार्किंग होती है, मतलब कि उसमें 1 जोड़ी मिल्की वाइट स्पॉट होता है जिसे हम इश्वितास ग्लैंड कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इश्वितास ग्लैंड होती है जो कि 8th और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। और जो मेल लार्वा होता है उसमें रिप्रोडक्टिव ग्लैंड एक स्मॉल मिल्की वाइट प्रोट्यूबरेंस के फॉर्म में होती है, जिसे हम यहाँ, ये भी 8th और 9th सेगमेंट की वेंट्रल सरफेस पर होती है, इसे हम हेरोल्ड्स ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को देखा जा सकता है, दोनों के अंदर डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। राइप लार्वा जो फुल ग्रोन फाइनल फिफ्थ इंस्टार लार्वा होता है वो फीडिंग स्टॉप कर देता है, अब वो कोकून की स्पिनिंग करने के लिए रेडी हो जाता है, इसे हम राइप लार्वा कहते हैं। कोकूनिंग या स्पिनिंग, मतलब लार्वा के थ्रू जो कोकून का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं स्पिनिंग या कोकूनिंग। ये जो राइप वर्म होता है ये कुछ सिल्क की टाइनी ड्रॉपलेट को सिक्रीट करता है। वो सबसे पहले एक ड्रॉप सिक्रीट करता है, वो इसका एंकरेज स्पॉट होता है, वहाँ लार्वा अपनी बॉडी को चिपका देता है, एंकर कर लेता है वहाँ से, और फिर उसके बाद में वो कोकून का ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क बनाना शुरू कर देता है। तो ये जो फिलामेंट्स का लूज और टेंगल्ड मास होता है इसको हम ब्लेज या फ्लोस कहते हैं, जिसको हम रील नहीं कर सकते हैं। फिर अच्छे से फ्रेमवर्क बन जाता है पूरा, तो एक कोकून तैयार हो जाता है लार्वा के थ्रू, और स्पिनिंग के बाद में जब स्पिनिंग होती है तो लार्वा इसके एक स्पेसिफिक पैटर्न में इसके हेड का मूवमेंट होता है लार्वा के, और जब कॉम्पैक्ट कोकून बन जाता है तो लार्वा श्रिंक हो जाता है और एक थिन लेयर ऑफ सिल्क से वो पूरा कवर हो जाता है।
और फिर बाद में ये इसको इस शेल से डिटेच कर लेता है और फिर मोल्टिंग होती है और फिर ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। स्पिनिंग के दौरान जो दो सिल्क ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो स्पिन रेट से बाहर आता है और एक फाइबर की फॉर्म में होता है, उसे हम ब्रिन कहते हैं, ब्रिन्स कहते हैं। ड्रेगिंग, ड्रेगिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड सिल्क का कोगुलेशन होता है और वो फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को ड्रेगिंग कहते हैं। फिर आता है प्यूपा। जब कोकून का फॉर्मेशन ख़त्म हो जाता है तो लार्वा की मोल्टिंग होती है उसी के अंदर, कोकून के अंदर, और लार्वा अब प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखिए अब ये इस कंडीशन में आ जाता है, इसे हम प्यूपेशन बोलते हैं। प्यूपा जो स्टेज होती है वो रेस्टिंग या इनएक्टिव स्टेज होती है, और प्रॉपर प्यूपा में कन्वर्ट होने से पहले जो मैच्योर लार्वा होता है वो प्री प्यूपल स्टेज से गुजरता है। और प्री प्यूपल स्टेज में होता क्या, ये इनएक्टिव स्टेज है, इसमें हिस्टोलाइसिस होता है लार्वल और उनका, जैसे सिल्क ग्लैंड, मोल्टिंग ग्लैंड, एब्डोमिनल अपेंडेजेस, ये सब जो हैं ये नष्ट होने लग जाते हैं। मतलब कि सिल्क भी बन गया, कोकून बन गया है, मोल्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, एब्डोमिनल अपेंडेजेस का भी कोई काम नहीं होता है, तो इनका हिस्टोलाइसिस शुरू हो जाता है। तो इन ऑर्गन्स का तो हिस्टोलाइसिस होता है और इसकी जगह यहाँ पर दूसरे जो एडल्ट ऑर्गन होते हैं उनका हिस्ट्रोजेनेसिस होता है प्यूपल स्टेज में, जैसे कि लार्ज कंपाउंड आइज का फॉर्मेशन हो जाएगा, लार्ज एंटीना बन जाएगी, फोर विंग और हाइंड विंग्स और लेग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब चेंजेस इसमें आते हैं, और जो न्यूली फॉर्म्ड प्यूपा होता है उसकी क्यूटिकल सॉफ्ट होती है और पेल येलो क्यूटिकल होती है जो कि धीरे धीरे डार्क होती जाती है। प्यूपल स्टेज 10 से 12 दिन तक कंटिन्यू रहती है और फिर उसके बाद में फुल ग्रोन मोथ जो होता है वो डेवलप हो जाता है। अब इसकी पूरी लाइफ साइकिल को हम शॉर्ट में यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, एडल्ट जो मेल और फीमेल होते हैं इनका कॉपुलेशन होता है। कॉपुलेशन होने के बाद में जो मेल है वो मर जाता है और फीमेल अंडे देना शुरू कर देती है। ये एग्स होते हैं, एग लैंग होती है, 150 से 300 अंडे दिए जाते हैं। फिर इन अंडों से जब लार्वा बाहर निकलते हैं तो उसको हम हैचिंग कहते हैं। जब लार्वा, जो न्यूली हैच लार्वा होता है उसमें मोल्टिंग होती है, तो अपन न्यूली हैच लार्वा जो है वो फर्स्ट इंस्टा लार्वा के अंदर कन्वर्ट होता है। फर्स्ट इंस्टा लार्वा से सेकंड इंस्टा लार्वा बनता है, सेकंड से थर्ड इंस्टा लार्वा मोल्टिंग के थ्रू बनता है, थर्ड से फोर्थ बनता है, फोर्थ से फिफ्थ इंस्टा लार्वा होता है जो कि मैच्योर कैटरपिलर होता है। फिर इस लार्वा से ये जो है अपने जो माउथ से स्पिन रेट, वहाँ से सिल्क का प्रोडक्शन करने लगते हैं और उसके चारों तरफ इसको लपेटते हैं, उसे फिर ये कोकून का फॉर्मेशन कर लेते हैं इस टाइप से। जब कोकून का फॉर्मेशन हो जाता है तो अंदर ही अंदर ये लार्वा की मोल्टिंग होती है और लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है और प्यूपा इनएक्टिव स्टेज होती है और फिर प्यूपा में कुछ ऑर्गन्स का हिस्टोलाइसिस होता है और एडल्ट कंडीशन बनने के लिए यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स का हिस्ट्रोजेनेसिस होता है। फिर ये जो फुली प्यूपा बन जाता है और फिर प्यूपा बाद में एडल्ट मोथ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।